हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम बाद तुम्हारा मोटा भाई ब्लॉग कर रहा है। अभी जस्ट मैं फ्रेश होके निकला हूँ, अब मैं नहाने धोने जाऊंगा अच्छे से। अब मुझे जानना ये है कि ये टी शर्ट के नीचे ये ब्लैक पैंट और इन दोनों में से कोई एक शूज अच्छे लगेंगे, या फिर ये टी शर्ट के नीचे ये व्हाइट पैंट एंड एक ब्लैक शूज है मेरे पास। सो ये जो एडिडास का शू है, ये इसके नीचे ये सूट करेगा या नहीं, एक बार पहन के देखना पड़ेगा। सो गिव मी 2 मिनट्स। फिलहाल दिस इज द टी शर्ट। कैसा लग रहा है ये टी शर्ट? इसके नीचे ये पैंट भी इसे ओवरऑल देखने में अच्छा लग रहा है, बिकॉज कुछ कुछ व्हाइट यहाँ पर स्पॉट्स है ना ये पेंटिंग के, ये लाइक मैच कर रहे हैं सारी चीज़ें। बट मैंने शूज़ भी पहने हैं आप लोगों के लिए। तो इंस्टाग्राम पे पोल डाला है और पोल से हमें ये पता चला है कि ये आउटफिट लाइक ओके अच्छा लग रहा है सभी लोगों को। बट मेरे मन में अभी भी वो व्हाइट पैंट ही अच्छा लग रहा है मुझे। बट अभी ठीक है, आज रिस्क नहीं लेते, जब घर पे होंगे अभी कुछ होगा तब ये रिस्क लेंगे। बट अभी दिस आउटफिट इज लुकिंग गुड एंड शूज़ भी फिर यही फाइनल कर रहे हैं, ये हमारे एयरफोर्स जबरदस्त सेक्सी। ऑलराइट, हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं, एकदम फुल ऑन चुम्मा। थोड़ी बाल सेट करने में तकलीफ हुई है बिकॉज एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यूजुअली अपना सारा सामान कैरी करता हूँ, बट इसमें मैं कोम ऐड करना भूल गया इस बार, जिस वजह से मुझे लिटरली 15-20 मिनट लगा सिर्फ ये अचीव करने में। एनीवेज, अभी बजे हैं सुबह के 10:30 एंड मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इस बार तो मैं इतना सीरियस था ना कि अपने मैं मल्टीविटामिन सब कुछ लेकर आया हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने जितने भी बेंगलोर में लोग रहते उनसे पूछा कि मुझे कैफे बताओ, कि साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद है सुबह सुबह नाश्ता में। तो यहाँ पर एक रामेश्वरम कैफे है, वहां पर मैं जाने वाला हूँ। वहां पर लाइक बैठने के लिए जगह नहीं है, बट द पिक्चर्स एंड द फोटोज ऑफ द फूड लुक्स अमेजिंग। सो अभी हम लोग वहां जाने वाले हैं एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लाइक आवरली बेसिस पे एक कैब कर लूँ, सो दैट मैं यहाँ से रामेश्वरम जाऊँ, फिर वहां से एक और जगह पर जाना है जिसको मैं बताऊंगा थोड़े टाइम में, फिर वहां से वापस होटल आऊं या फिर डायरेक्टली कॉमिक कॉन चले जाऊं। होटल में वापस नहीं आएंगे, डायरेक्टली कॉमिक कॉन चले जाएंगे। और ऑल्सो ये हाथ से ही ब्लॉग करा था तो दिखा नहीं पाया, दिस इज द बैंड जिससे हमें अंदर जाने मिलेगा एंड दिस इज वैलिड फॉर 2 डेज। यस्टरडे भी मैं इसी बैंड को लेकर आया, निकल ही नहीं रहा है भाई ये। एनीवेज, आई होप अब तक जुड़े हो सभी लोग, मिलकर लाइक करो अगर ये देख रहे हो तो। फटाफट मैं निकलता हूँ इस रूम के बाहर, थोड़ा बहुत अपना सामान सब कुछ पैक करके निकलते हैं, फिर आपको मिलता हूँ कैब में। लेट्स गो। मैं इधर आया हूँ जस्ट, माँ कसम ऑलरेडी इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर। खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा देख के आता है मेरा। यहाँ पर ये कूल ऑर्डर यूर करके है, यहाँ से स्लिप मिलेगा एंड वी कैन पे थ्रू QR कोड यूर इट्सल। देखते हैं होता है क्या, बट आई हैव ऑर्डर्ड फॉर नाउ, इसको भी हम लोग यहाँ से पे करेंगे एंड स्कैनर आएगा। आता हूँ बाय। हियर इज माय टोकन्स। कितना टोकन आ रहा है, सबको दे दिया। सी व्हाट दिस मींस, दिस टोकन सेज फॉर घी पूड़ी इडली यू गो टू काउंटर 4। चलो लगते हैं कतार पे, वहाँ भी बना रहे हैं। मैं वहाँ छोड़ के आ गया हूँ बनने, होपफुली वो बनेगा तब तक इडली भी मेरी आ जाएगी। मेरे को सारा चीज़ एक साथ रख के आप लोगों को दिखाना है। ओ बाप रे, ना गन पाउडर देखो कितने सारे हैं, मज़ा आ जाएगा। गेट दिस फ्रॉम हियर, आपको गरम गरम पानी से लाइक स्पून यू कैन टेक इट एंड ईट लाइक अच्छा हाइजीनिक वे। आई एम वेटिंग फॉर माई डोसा नाउ। अरे मेरा नहीं, घी पूड़ी मसाला अब मेरा ये वाला। सांभर थैंक यू बाय। तो खुद ही खाना है और खुद ही रिकॉर्ड करना है वैसे। इडली कितनी सॉफ्ट है, गन पाउडर भी बहुत अच्छा है, घी भी बहुत ज़्यादा लगा है मस्त का एंड चटनी इज ऑल्सो वेरी 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 गुड। मेरी स्माइल से आपको समझ में आ रहा होगा। 15 घंटे बाद पहला निवाला मुंह में गया। इडली मैंने इतनी सारी खा ली बट मैं भूल गया कि डोसा इतना क्रिस्पी होगा, मेरे को चख लेना चाहिए पहले। ऑल्सो दिस इज लाइक सर्व्ड इन अ वेरी ट्रेडिशनल बनाना लीफ। लेट्स ट्राई दिस एंड बताता हूँ कैसा है। थोड़ा मसाला भी देता हूँ, इतना सारा घी है अंदर, मेरा ट्रेनर मार डालेगा मेरे को। भाई डोसा के लिए बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। तुम्मा ऐसा लग रहा है मेरे हाथ ऑटोमेटिकली दूसरा वाइट बनाने के लिए जा रहा है।
प्रॉपर खाना वाना खाया, उसके बाद क्या है ना पूरे ऑयली लाइक घी वाले हाथ हो गए थे, तो यहाँ पर प्रॉपर हैंड वॉश है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर भी है। अब हमारे पास एक आखिरी रिसीट बची हुई है, जिस द मसाला टी वाली रिसीट। लेट्स फाइंड वेयर इज मसाला टी। चाय काफ़ी गर्म है इसलिए मैं फूंक मारा था इतने टाइम। यार ये इसको उठा के मुंबई लेके जाता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। बहुत 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 बढ़िया चाय है, बहुत बढ़िया खाना, बहुत बहुत अच्छा था। अगर आप बैंगलोर वाले हो, आप लोग नसीब वाले हो। एनीवेज अभी हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर की बहुत ज़्यादा फेमस चिप्स लेने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं बैंगलोर आया था इंटेल गेमर डेज के लिए, तभी मैं यहाँ से चिप्स लेकर गया था घर पे, एंड लोग मेरे घर पे भाई वो चिप्स इतनी पसंद आई सभी लोगों को कि इस बार भी बैंगलोर से सब लोग मंगवा रहे हैं। यहाँ पर सबसे स्पेशल है ना जैकफ्रूट चिप्स होती है, और एक बनाना चिप्स होती है येलो वाली, जो कोकोनट ऑयल में लाइक फ्राई करी होती है, तो जो टेस्ट आता है उसका माँ कसम। सभी लोग मुझे लाइक कर दो। वेलकम टू द व्लॉग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का, लेट्स गो। सो हियर वी आर एट साईराम हॉट चिप्स, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चिप्स हैं। यहाँ पर जितने भी इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज आए, सबने बोला कि पहले टेस्ट करना, ज्यादा ऑयली लगे तो नहीं लेना, क्योंकि वो शायद दो तीन दिन पहले की होती है, फ्रेश होगी वही लेना। जैकफ्रूट चिप्स अभी मैंने फिलहाल इनको बोल दिया, दिस इज जैकफ्रूट चिप्स बाय द वे। भाई टेस्ट भी इतना अलग लगता है ना, क्योंकि कोकोनट ऑयल में जब फ्राई होती है ना, तो अलग ही टेस्ट देता है उसका कोकोनट वाला, मस्त। देखो सारी सारी डिफरेंट वेराइटीज है, पूरा स्टोर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा है यार, चलो नहीं ये देखो इनका आधा आधा स्टोर तो मैं ही लेके जा रहा हूँ, सारी चीज आपके जीवन के जीवन के लिए सब ले लिया भाई। जितना मैंने इडली डोसा खाया है ना, उतने में पेट नहीं भरा ना, उतना साला ये खाली टेस्ट टेस्टिंग में ऐसा पेट भर गया ऐसा लग रहा है। इतनी सारी चिप्स ली हम लोगों ने, आई होप मम्मी सुनाए ना मेरे को, पूरे गांव के लिए चिप्स ले लेता हर टाइम। गाइस वी आर एट लोको बूथ, यहाँ पर हम लोग गेटिंग ओवर इट खेलने वाले हैं, जो कि हम लोग ने एक बार कंप्लीट करी है, दो तीन चार घंटों में एक बार। ये छोटू इतना अच्छा खेल रहा है, देखो जा स्टार्ट इट। मेरे हाथ पूरे ठंडे पड़ गए हैं ये गेम खेलते खेलते, बट इट वॉज फन। काफी टाइम बाद काफी फास्ट रन करा यार मैंने, देखा था मैंने कितना खेला मैंने। डिफरेंट डिफरेंट बूथ्स हैं, ये अल्ट्रा गियर का, ये ब्रॉल हाला का, इधर अलग अलग गेम्स है हर जगह। यहाँ पर अभी हम लोग ने वो वाली गेम खेली, इंडस वाली गेम खेली, लोको था, सब कुछ था। यहाँ पर पबजी न्यू सेट का ये है लैंड टूर्नामेंट चल रहा है, तो फिलहाल सिर्फ मैं गेमिंग अरीना में ही हूँ अभी तक, तो मैं कॉमिक कॉन के मेन हॉल में गया नहीं हूँ, वो तो फाड़ है भाई। बट ये अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं, अभी तो कितने बजे हैं, 3:30 ही बजे हैं, पूरा टाइम है अपने पास, अच्छे से टाइम है, एक्सप्लोर करते हैं। अरे शिमान भाई से गप चुप करते हैं, बाद में मिलते हैं, अंदर इंटरनल टॉक्स है। सच बोलूँ ना तो मेरे को बुरा लग रहा है, यहाँ पर साले सब बूथ में है ना, देखो पीछे इतनी लाइन लगी है खाली एक गेम खेलने के लिए, और वैसे हम गुंडे से आते हैं हम लोग और खेल के बैठ के चले जाते हैं। मेरे को है ना बहुत सारे ये कॉस्प्लेस वालों के फोटो खींचने हैं मस्त, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, तो अंदर है ना ये मनी हाइस्ट वाले, अभी उनके फोटो खींचेंगे। मैं बोल रहा हूँ जेब में से गड्डी निकालते थे, उड़ाता हूँ अपने आप आ जाएंगे। मोड़ा मोड़ा मैन, अभी हम लोग मैं और जोकर भाई पनीली हो, ऑनेस्टली हम लोग
विराग इंस्टाग्राम पे हम लोग है ना मैसेज कर रहे थे कि जोकर भाई मैं लोको भूत के पास हूँ, जोकर बोलते हाँ मैं आ रहा हूँ, और साथ साथ में हमारे जोकर भाई काशवी दीदी भी है हमारे, जोकर भाई दो गेस्ट को लेकर आए, काशवी और एक जरा वो नारुतो फैन है, वो नारुतो फैन है, सब नारी भी जाने वाला हूँ, तो कैसा लग रहा है ओवरऑल? मैं नारुतो और मैं लियो का फैन हूँ, लियो का फैन है, लियो का कैरेक्टर आ रहा मैं अपना सीरीज चालू कर रहा हूँ, ये लोग ये और स्नैक्स अपने ही धुन में रहते हैं बूट कैंप में, मैं ये करने वाला हूँ। कल शीट भाई का रिएक्ट करे कोई तो लोग बोले इसको देखो, बोले तो बंदा ही पागल है साला। एक मैं देखता हूँ ना अपने ही जैसे कि फेंकने का ट्राई करते ना वैसा, बट फन है वो भी एक अपना अपना फन है, फेंको और क्या। लिटरली अभी मैं यहाँ से बात कर रहा था, हमारे ये जो ये दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स बोलेंगे फ्रेंड फैंस नहीं बोलेंगे, ऐसा हो भाई अल्फो भाई, मैं खुद डर के एक सिंगल लेके क्या था, और ये लोग मेरे लिए चिप्स लेकर आए हैं, मैंने कहा स्टोरी डाली थी कि किसी को आइडिया है चिप्स के बारे में, तो लो सो लवली यार ये लोग चिप्स लेकर आए मेरे लिए, मैं आज सुबह को आप लोगों ने देखा कि हम लोग बाय करके आए चिप्स, थैंक यू सो वेरी मच। कौन सी लेकर आए हैं? जैकफ्रूट फेमस है, जैकफ्रूट नहीं मिला हमको, लेकिन ये बनाना स्पेशल एकदम, ये कोकोनट ऑयल में, हां इसलिए स्पेशल। थैंक यू सो मच, मैंने 2 किलो ये लिए पता है अभी, आप ये अलग है टेस्ट अच्छा, यस 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 यस, आ जाओ मेरे ब्लॉग में, हाय हेलो हेलो हाय, मिलते हैं इन लोगों से और फिर मैं आप लोगों को आगे मिलता हूँ, टेस्ट मी मतलब स्टोरी डालने पे मेरे लिए बाइकर क्या इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, ब्लेस्ड कि ऐसे लोग मेरे पास भाई, इधर कोकोनट ऑयल में तली हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इनको कैसे नहीं थी मैंने भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रो रहा है ये भाई, रो क्या कर रहे थे कपड़ा में, अल्फा भाई रुला रहे हो यार आप, यार आ जाओ सभी लोग, सब लोग ब्लॉग में भी आ जाओ, भाई का दिल वहाँ है जहाँ जहाँ अल्फा भाई का, HYDRA हाइड्रा अल्फा है अपन, ये और आई लव तो ओजी फैम्स, ये सारे ओजी लोग के लोग जानते हैं, चलो आ जाओ अभी ये ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज हमको श्रीमान भाव बुला रहे हैं कि अल्फा भाई को, श्रीमान भाव यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अल्फा अगर कॉमिक कॉन में तो उसको उठा के लेकर आओ, वहाँ पर मिलना है मुझे, श्रीमान एक्स अंतर्यामी एक्स अल्फा, एक्सप्लोर करा, बहुत सारे लोग मिले बेंगलोर से मुझे, आपने लिटरली देखा ब्लॉग में कि कॉमिक कॉन में लिटरली 2 लोग मेरे लिए चिप्स लेकर आए थे, कितना अच्छा लगा ना मैं तुमको बता नहीं सकता, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट बैंगलोर, यू गाइस आर ऑसम, धीरे धीरे कुछ एक नई जगह से भी आपको वीडियोस आने चालू हो जाएंगे, वैसे कुछ लोगों को हिंट्स मिलनी चालू हो चुकी है, आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ दैट वी हैव मेड अ गेमिंग स्टूडियो फॉर आर सेल्फ, अ गेमिंग अ वीडियो कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो फॉर आर सेल्फ, जरूर देखना इन द नेक्स्ट ब्लॉग्स, आई गेस जब तक ये अपलोड होगा उसके 5-6 दिनों में वो रेडी हो जाएगा वीडियो, फिर आज मैं फर्स्ट टाइम हमारे जरफ भाई से भी मिला, काशी से भी मिला, जोकर से तो मिलते ही रहते हैं, हाइड्रा बूट के में भी आए थे, वो बहुत अच्छा लगा मिलकर उनको, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब किया सोल में जाके, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हिम, सो यार चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, बाय, योर अल्फा साइनिंग आउट, सायोनारा।
te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny. Tu flow bastante